हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा कि रेस्पायर क्या, कैसे होता है, क्या होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम आगे देखते हैं। इन द सेल फुल इज फूड इज़ ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर जो फूड होता है ना, हम जो फूड इंटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसकी किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, है ना, किस में कन्वर्ट होता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और किसका यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक मतलब होता है यदि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, है ना, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो जो कहलाएगा वो एरोबिक कहलाएगा। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड जो है वो बिना ऑक्सीजन के यूज़ के भी ब्रोकन डाउन होता है, दिस इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो है ये क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये फ्रूट हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा। अब इसमें जो है यदि हम देखें तो यू शुड नोट दैट द देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के सर्वाइव करते हैं, है ना, मतलब उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। ये जो है एनएरोब्स कहलाते हैं ना, जिन्हें ऑक्सीजन जरूरत की ज़रूरत नहीं होती है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन ब्लू। अब देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके एल्कोहल देता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्कोहल होता है, और एनर्जी तो लिब्रेट होती है बट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक में बहुत ही कम होती है ना, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनती है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और फिर इस अल्कोहल का यूज़ जो है वाइन एंड बियर बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली। हमारी मसल सेल भी एनएरोबिकली रेस्पायर करती है, किस वक्त करती है, हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आते हैं, या बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो एनएरोबिकली रेस्पायर करती है। पर वो जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मैंने आपको बताया ना, कुछ समय के लिए यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, है ना, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तेज़ दौड़ ली है, साइकिलिंग, वॉकिंग आर मैनी आवर्स, और हैवी वेट लिफ्टिंग, इनमें से कुछ भी कर लिया, तो डिमांड ऑफ एनर्जी जो है वो इस वक्त बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, बट हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिल रही है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होती है। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी। इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होता है इस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल की जगह लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। फिर हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, इसलिए आपने देखा होगा एकदम मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, अकड़न जैसी आ जाती है,
हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन द मसल सेल्स रेस्पायर एनएरोबिकली। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मसल सेल्स जो हैं वह एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब इस तरह का जो पार्शियल, मतलब अगर पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं हो ग्लूकोज का, तो उससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉसेस मसल्स क्रैम। और ये लैक्टिक एसिड जमा होने से मसल्स क्रैम्स होने लगते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ आर अ मसाज। और हमको इससे आराम कब मिलता है? हम जब पैरों को गर्म पानी में डाल दें या गर्म पानी से नहा लें या पैरों की मसाज करें। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो? हॉट वाटर बाथ आर मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम गर्म पानी से नहाते हैं या पैरों को गर्म पानी में डालते हैं या मसाज करते हैं, तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसके कारण क्या होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। इंक्रीज इज द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब इस तरह से पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, तो ये जो मतलब कि पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था वो कम्प्लीट ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके कारण जो लैक्टिक एसिड है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रीथिंग को देखेंगे कि ब्रीथिंग की प्रोसेस किस तरह से होती है। एक बार आप बुक जरूर रीड करिएगा। कुछ भी डाउट होने पर आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो